सो गाइस, आपने जैसे कि थंबनेल में देखा कि यू जो फैम पे का जो कार्ड आ चुका है, ये बात बिल्कुल सही है। बट ये ऑर्डर भी हो रहा है या कि सिर्फ ये वर्चुअल मिला हुआ है, सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूँ। सो बस यही बताऊंगा, दो चीज़ में डिवाइड करूंगा आज के इस वीडियो में। एक अच्छे पॉइंट्स लेंगे, कुछ बुरे पॉइंट्स भी लेंगे, क्योंकि जिस तरह हम चाहते थे, जिस तरह का हमारा एक्सपेक्ट था फैम पे से, वैसा हमें मिला है या नहीं, बिल्कुल ही आज के वीडियो में पूरा फुल एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। और ये आपको ऑर्डर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, में एटीएम विड्रॉल है मिल रहा है या नहीं, द फिजिकल कार्ड ऑर्डर करना है, कितना चार्जेस होगा, कितना फीस लगेगा, सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा आज के इस वीडियो में। सो चलिए बिना टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपको, और आपको एक एक चीज स्टेप में मतलब बताते हैं कि आपको कार्ड में क्या क्या चेंजिंग आया हुआ है, कार्ड में क्या डिटेल्स हैं, क्या हमें नंबरलेस मिलता है, सारा कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए साइड में, मेरे फोन की स्क्रीन में देख सकते हो, सबसे पहले आप मेरे देख सकते हो साइड की स्क्रीन में। सो यहाँ पे मेरे सबसे पहले अपने अपडेट करना है, सबसे पहले जाके अपने अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आपको चले जाना है सीधे अपने अकाउंट लॉगिन कर लेना, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे अकाउंट इजीली यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ, और लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बट देखो यहाँ पे नॉर्मली सब कुछ वैसे ही वैसे ही है, ठीक है, सब सेम टू सेम है। बट यहाँ पे अब हम चलेंगे कार्ड के ऊपर, बात करेंगे कार्ड पर। जैसे मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, योर न्यू फैम पे कार्ड इज कमिंग सून, मेरे में ये बता रहा है। बट आप बोलोगे कार्ड तो आप बोल सकते आ चुका है, यही चीज़ मेन चीज पॉइंट बताने वाला हूँ। ये बहुत सारे लोगों को देखने को नहीं मिला है, बहुत ही कम लोगों को ये देखने को मिला कि उनका कार्ड जो है उनका वर्चुअल कार्ड आया है, वो भी फिजिकल कार्ड नहीं आया है, ठीक है। अब मैं आपको फिजिकल कार्ड जो वर्चुअल कार्ड आया उसका भी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिखा देता हूँ। तो पहले मेरे दोस्त का जो है फैम पे में उसमें आ चुका, तो इसको भी साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख सकते हो। जैसे इसने अपना फैम पे ओपन किया, ओपन करते वैसे ही सेम टू सेम है फुल, ठीक है, कोई भी चेंजिंग नहीं। जैसे इसने कार्ड ऑर्डर किया तो फाइनली इसका वीजा कार्ड है, और इस पर मैं एक बात करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप मेरे कार्ड देख सकते हो, देखिए जैसे कि आपने कार्ड देखा कि कार्ड जो है पूरा ओल्ड जैसा ही है, जैसे कि फैम पे का पुराना कार्ड था वैसे के वैसे ही है, कोई भी आपको चेंजिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। और ये फैम पे वाले आपके जो पुराने कार्ड है वो मतलब कि कोई काम का नहीं रहा है, काम मतलब कार्ड जो है पुराना सेम है, बट जो कार्ड में चेंजिंग हमने एक्सपेक्ट किया था कि फैम पे से कुछ नया लाएगा, कुछ अच्छा कार्ड लाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको नॉर्मली वैसे कि वैसे ही वीजा कार्ड आपको देखने को मिल रहा है। आप उसको ऑर्डर करेंगे ये भी दिखा देता हूँ सबसे पहले, इसने जैसे यहाँ पे ऑर्डर पे क्लिक करता है ये भी दिखाता हूँ। जैसे इसने ऑर्डर पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए लिखा है फिजिकल कार्ड कमिंग सून, और यहाँ पे नोटिफिकेशन मी, मतलब नोटिफिकेशन मी ऑन कर देगा तो इसको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये अपना इजिली कार्ड ऑर्डर कर सकता है। सो इसमें आपको मैं बताता हूँ अब आपको कार्ड के बारे में, जो कार्ड जो है बहुत सारे लोग जो अभी तो बेसिकली 10 तारीख को सभी को शायद से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे में तो अभी आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसे दिया जा रहा है रेंडमली कि किसी किसी को दे दिया जा रहा है। सो इसमें से मेरे दोस्त का भी लकी था तो उसको भी मिल चुका है, बहुत सारे लोगों को मिला है ऐसे। फिर 10 तारीख को सभी को शायद से मुझे लगता है ऐसे मिल जाएगा, क्योंकि फैम पे इन्होंने अपना हिट दिया था फैम पे के मतलब इसको इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया, फॉलो जरूर करना है, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एंड अपडेट देता रहता हूँ सबसे पहले। अब देखिए वहाँ पे कार्ड जो है पूरा सेम टू सेम है, तो आपको यहाँ पे पैसा अगर मांगते हैं तो आपको यहाँ पे नहीं देना है, क्योंकि आपको भी पता है जो पुराना कार्ड था वो भी हमने 300 का कस्टमाइज कार्ड ऑर्डर किया था, हमने 300 रुपये का ऑर्डर किया था, आपका ऐसे ही पैसा बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। तो आप इस कार्ड को ऑर्डर मत करना, आपके पास वर्चुअल कार्ड है आप उसको यूज करो सबसे अच्छा है, इससे अच्छा आप इसके ले लोगे। और बात करते इसमें एटीएम विड्रॉल की, तो एटीएम विड्रॉल का भी अभी कोई भी चर्चा नहीं किया, 30% चांस है कि आ सकता है, बट ये पूरा कंफर्म नहीं है कि आएगा। अब बात करते हैं आपको इसमें जो ऑर्डर कब से स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऑर्डर का भी उन्होंने कोई भी डेट फिक्स नहीं किया है, पहले सबसे पहले वर्चुअल कार्ड दे रहे हैं, उसके बाद आपको फिजिकल कार्ड ऑर्डर स्टार्ट कर देंगे। सो मैं ऑर्डर करके दिखाऊंगा इस वीडियो पर, अगर 50 लाइक कर दिया तो मैं फिजिकली जो फिजिकल कार्ड आएगा ऑर्डर करके मैं आपको दिखाऊंगा, एंड इसका अनबॉक्सिंग भी अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। तो अनबॉक्सिंग का वीडियो देखने के लिए आपको चैनल पर क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और 10,000 का टारगेट कंप्लीट करो फटाफट। इस मंथ पूरा मैंने 10,000 कंप्लीट करना सब्सक्राइबर। सो अब पूरा कुछ तो बात हो गया, बट अब आपको सजेशन देता हूँ लेना चाहिए कि नहीं। अगर देखिए फ्री का मिले तो ले लेना जरूर, ठीक है,
फ्री का मिला तो मैं भी ले लूंगा, अगर पैसे मांगे तो यहाँ पे आपको नहीं देना है, क्योंकि आपको पता है जो पुराना कार्ड है हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना, कोई काम का है, ओनली हम स्वाइप कर सकते हैं। अगर एटीएम विड्रॉल देते तो बेसिकली तो अभी सब कुछ, कोई भी जितने भी न्यू बैंक्स आ रहे हैं सभी आपको दे रहे हैं, ठीक है, आपको उसमें यूपीआई प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको एटीएम विड्रॉल प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। सो हम फैम पे को क्यों यूज करें जब सेम टू सेम पूरा कुछ वही चीज ये फैम पे वाले दे रहे हैं। हर कंपनी जो है, हर जितने भी आजकल जो टीनेस ऐप है वही सेम टू सेम दे रहे, तो हमें ऑर्डर करने की क्या जरूरत है। सो बहुत सारे लोगों को मन में डाउट होगा कि भाई हमें कब मिलेगा, तो आपको 10 तारीख के शायद से बाद मिल सकता है, सभी को मिलेगा, बट वर्चुअल कार्ड अभी देखने को मिल रहा है, कोई फिजिकल कार्ड नहीं है। और फिजिकल कार्ड जैसे ही आएगा तो मेरे चैनल पे वीडियो आ जाएगा। सो चैनल कर लेना सब्सक्राइब, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपके मन में डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना। फिर आज कितने करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।